नमस्कार, मैं हूं महेश चौधरी और आप देख रहे हैं खबर स्टेशन। कहते हैं कि एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा कहानी बयां करती है। एक ऐसी ही तस्वीर 21 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस तस्वीर को शेयर कर रहे लोगों ने इसके साथ लिखी बात को भी वायरल कर दिया। पोस्ट में की गई तस्वीर के साथ लिखा जा रहा है कि एक स्कूल ने अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए वृद्धाश्रम का टूर आयोजित किया और इस लड़की ने अपनी दादी को वहां देखा। दरअसल जब इस बच्ची ने अपने माता पिता से दादा दादी के बारे में पूछा था तो उसे बताया गया कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रहने गई है। ये किस तरह का समाज बना रहे हैं हम। देखते देखते ये तस्वीर और संदेश वायरल हो गया। आम लोगों के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और क्रिकेटर हरभजन सिंह जैसे जाने माने लोगों ने अपने फेसबुक और ट्विटर पर इसे साझा किया। दोस्तों, आज हम खबर स्टेशन में आपको बताएंगे क्या ये तस्वीर सच बोलती है, क्या इसके साथ लिखे हुए जो सवाल हैं वो सच हैं, क्या ये तस्वीर हाल की है। तो इन सभी सवालों के जवाब गुजरात के एक वरिष्ठ फोटोग्राफर कल्पित भचेज ने दिए। दरअसल ये तस्वीर कल्पित ने करीब 11 साल पहले साल 2007 में खींची थी। खुद कल्पित ने इस तस्वीर और इसके पीछे की पूरी घटना बताई है। आपको हम बताते हैं पत्रकारिता में किस किस तरह के संयोग बन जाते हैं, ये कहानी शायद इसी के बारे में बयां करती है। कल्पित भचेज बताते हैं कि वो दिन 12 सितंबर 2017 का था। उनके जन्मदिन से एक दिन पहले वो सवेरे 9 बजे घर के लिए निकले। उस दिन पत्नी ने बोला कि रात को समय से घर आ जाना क्योंकि कल आपका जन्मदिन है और रात को 12 बजे हम केक काटेंगे। वो काफ़ी खुश थे, वो घर से निकले। कुछ ही देर में उनके मोबाइल पर अहमदाबाद के मणिनगर के GNC स्कूल से एक कॉल आ गया। कॉल स्कूल की प्रिंसिपल रीटा बहन पंड्या का था। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के साथ वो वृद्धाश्रम जा रहे हैं और क्या वो इस दौरे को कवर कर सकते हैं। तो कल्पित तैयार हो गए और वहां से घोड़ासर के मणिलाल गांधी वृद्धाश्रम पहुंच गए। वहां एक तरफ बच्चे बैठे थे और दूसरी तरफ वृद्ध लोग बैठे थे। उन्होंने आग्रह किया कि बच्चों और वृद्धों को साथ साथ बिठा दिया जाए ताकि उनकी तस्वीरें अच्छी आ सके। जैसे ही बच्चे खड़े हुए, एक स्कूली बच्ची वहां मौजूद एक वृद्ध महिला की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगी। हैरानी की बात तो ये थी कि सामने बैठी वृद्धा भी उस बच्ची को देखकर रोने लगी और तभी बच्ची दौड़कर वृद्ध महिला के गले लग गई और ये देखकर वहां मौजूद जितने लोग थे वो सब हैरान रह गए। भचेज ने ये तस्वीर उस वक्त अपने कैमरे में कैद कर ली। फिर जाकर महिला से पूछा तो रोते हुए उन्होंने जवाब दिया कि वे दोनों दादी पोती हैं। बच्ची ने भी रोते रोते बताया कि ये महिला उसकी बा है। गुजराती में दादी को बा बोला जाता है। बच्ची ने ये भी बताया कि दादी के बिना उसकी जिंदगी काफ़ी सूनी हो गई है और ये भी बताया कि बच्ची के पिता ने उसे बताया था कि उसकी दादी रिश्तेदारों से मिलने गई है, लेकिन जब वो वृद्धाश्रम पहुंची तो पता चला कि असल में दादी कहाँ गई है। दादी और पोती का मिलन देखकर पत्रकार भचेज बताते हैं कि उनकी आंखें भी नम हो गई। ये फोटो अगले दिन दिव्य भास्कर अखबार में पहले पन्ने पर छपी और उस वक्त पूरे गुजरात में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। इस तस्वीर ने कई लोगों को हिलाकर रख दिया। भचेज बताते हैं कि उनके 30 साल के करियर में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई उनकी तस्वीर अखबार में छपने के दिन लगभग हजारों लोगों के फोन आने शुरू हो गए। उस समय पूरे राज्य में सिर्फ इसी तस्वीर की चर्चा हो रही थी। जब दूसरे दिन दूसरे मीडिया कर्मियों के साथ इस वृद्धाश्रम का इंटरव्यू लेने लोग पहुंचे तो बुजुर्ग महिला ने कहा कि वो वृद्धाश्रम मर्जी से आई हैं। तो दोस्तों, हमने किया इसका वायरल टेस्ट। ये तस्वीर 11 साल पहले यानी कि 2007 की खींची हुई है। खबर स्टेशन में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।